नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और हम लोग स्टेट स्पेशल सीरीज में भारत को खोजने की जो है कोशिश कर रहे हैं, भारत को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक हम लोगों ने तीन स्टेट पे काफ़ी कुछ जो है जानकारियां कलेक्ट की हैं। आज बारी है छत्तीसगढ़ की, एक बहुत ही प्यारा सा राज्य जो कभी मध्य प्रदेश का अंग हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में 1 नवंबर को इसे मध्य प्रदेश से अलग किया गया और एक नए राज्य के रूप में स्टेपल हुआ। ये आज एक अलग राज्य की हैसियत से जो है अपना कार्य कर रहा है। एक छोटा सा राज्य है और अगर कह दिया जाए कि जंगलों के बीच सुनहरी जो है पहाड़ियों का छोटा सा वो घना सा एरिया जो कि भारत की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाओं से ये प्रभावित रहा है और यहाँ पर जो है उग्रवादी घटनाओं की वजह से थोड़ा सा ये क्षेत्र काफ़ी चर्चा में रहा। दांतेवाड़ा यहाँ का एक क्षेत्र ऐसा है जो काफ़ी चर्चा में रहा है कई घटनाओं के कारण। तो जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं, यह शाश्वत सत्य है, प्रकृति का नियम है। लेकिन उन बुराइयों के साथ ही, उन अच्छाइयों के साथ ही भारत के हृदय में बसने वाला ये राज्य छत्तीसगढ़, आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि भारत के ये किस कोने में है, कहाँ पर है, पहले किस नाम से जाना जाता था और आज किस नाम से जाना जाता है। तो पहले अगर प्राचीन काल की बात करें तो ये दक्षिण कोशल का हिस्सा हुआ करता था और जब ये दक्षिण कोशल का हिस्सा था तब इसकी राजधानी हुआ करती थी सिरपुर। क्या थी राजधानी इसकी? तब इसकी राजधानी थी सिरपुर। क्या थी राजधानी? सिरपुर। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना है। तो पहले इसको देखते हैं हम कि भारत के किस हिस्से में है, कौन सा हिस्सा है। तो ये भारत के मध्य भाग में है लगभग लगभग, और पूरब की छटा को लिए हुए। तो गौर करिए इस मैप पर तो आपको इसकी क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी। ये है छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और मध्य प्रदेश से विभाजित होकर के 1 नवंबर सन 2000 को जो है ये स्टेबल हुआ। अब इसको जो है आप दिशा ओरिएंटेशन से देखें तो जब भी मैप को पढ़ते हैं तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट कहलाता है। क्लियर? यहाँ ईस्ट और वेस्ट का मतलब पूरब और पश्चिम है, वेस्ट का मतलब यहाँ बेकार नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ का ये जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पर क्या है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से की अगर बात करें यहाँ से तो थोड़ा सा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको एमपी नजर आता है, एमपी के साथ साथ यूपी नजर आएगा और थोड़े से हिस्से में इसके जो है झारखंड नजर आता है। क्या नजर आता है? झारखंड। तो ये तीन राज्य इसके उत्तर में नजर आते हैं। अब इसके पूरब की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के पूरे पूरे पूर्वी हिस्से में मैक्सिमम हिस्से पे छाया हुआ है उड़ीसा। यहाँ पर उड़ीसा है। तो अगर इसी छत्तीसगढ़ के मैप को हम लोग यहाँ से कवर करें, इस छत्तीसगढ़ के मैप से ही कवर करें तो ये हिस्सा प्रॉपरली किसके क्षेत्र में है? ये छत्तीसगढ़ का मैप है और यहाँ पर उड़ीसा है। इसके ऊपर आप देखते हैं तो ये इतना हिस्सा कौन कवर कर रहा है? ये झारखंड कवर कर रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी सीमा यूपी से टच करती है और यूपी के बाद जस्ट बगल में इस हिस्से पर कौन सा हिस्सा है? यहाँ पर एमपी है। क्लियर? एमपी के और नीचे उतरे तो थोड़ा सा हिस्सा इसका महाराष्ट्र से टच करता है, महाराष्ट्र एमएच। और उसके बाद अगर देखें तो नीचे का हिस्सा कहां से टच कर रहा है इसका? महाराष्ट्र के बाद यह हिस्सा टच कर रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। कहां से? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहां से टच करेगा। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से टच करेगा। तो कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ ये जो आपका प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़, ये भारत की जो है हृदय स्थली में बसने वाला एक राज्य रहा है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारियां लेते हैं। सबसे पहले कि इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल देखिए है 135,194 वर्ग किलोमीटर। कितना? 135,194 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो अभी भी हमारी जनगणना जो है 2011 से काउंट होती है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनगणना कितनी होगी? 2,55,45,198। और जब छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के तो कुल 16 जिले
इसमें थे, लेकिन इसके बाद दो जिले बनाए, नए बने, फिर नौ बने, तो इस प्रकार आज जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 27। और यहां की राजधानी जो है वो राजधानी है रायपुर। क्या राजधानी है यहां की? यहां की राजधानी है रायपुर। और रायपुर के बारे में एक बात और बताता हूं कि रायपुर का नाम कुछ दिनों के लिए बदला गया और इसकी राजधानी रखी गई, नई राजधानी बनी नया रायपुर। क्या? नया रायपुर। और इस नया रायपुर का नाम है अटल नगर। क्या नाम था? अटल नगर इसका नाम पड़ा। क्लियर? तो ये है यहां की राजधानी। अब यहां के लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात बेसिकली 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से लगाया जाता है, तो यहां का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में काफी बेहतर है। यहां का लिंगानुपात है 991, जबकि आपका राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है। और 943 अगर यहां से कंपेयर करें 991 से, यहां के लिंगानुपात से 991 से, तो काफी अंतर देखने को मिलेगा। यहां पर अंतर जो है राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में काफी बेहतर है। तो इसे आप कह सकते हैं अनुकूल तो नहीं है लेकिन संतुलित लिंगानुपात इसे कहा जा सकता है। साक्षरता के मामले की बात करें तो राष्ट्रीय साक्षरता से काफी नजदीक है। राष्ट्रीय साक्षरता आपकी 73% है और इसकी साक्षरता 70.28% है, जो लगभग जो है 3.75% के आसपास यहां पर कमी दिखाई दे रही है, 3% के आसपास जो है कम है साक्षरता। अब यहां की भाषाओं की बात करें तो मुख्य भाषा यहां की हिंदी है, ये एक हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनजाति समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, वो किस भाषा का ज्यादातर प्रयोग करता है? वो भाषा का प्रयोग करता है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब यहां के कुछ और राजकीय चिन्हों की बात करते हैं। तो यहां का राजकीय पशु अगर देखें, यहां का राजकीय पशु क्या है? यहां का राजकीय पशु जो है वो है वन भैंसा। क्या है? वन भैंसा, बड़ी बड़ी सींगों वाला जो है, ब्लैक कलर का एक हिंसक जानवर है जो वन भैंसा कहा जाता है। अक्सर हम लोग डिस्कवरी में देखते हैं उनकी सींगें काफी बड़ी बड़ी होती हैं। और अगर यहाँ की राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है पहाड़ी मैना। क्या है? पहाड़ी मैना यहाँ की राजकीय पक्षी है। पहाड़ी मैना यहाँ की राजकीय पक्षी है। और अगर राजकीय वृक्ष की भी बात कर ले यहां पर, तो राजकीय वृक्ष यहाँ का है साल का। काहे का? ये एक जंगल से भरा हुआ जो है राज्य है। अगर आप जंगल की बात करें तो यहां पर लगभग 30% हिस्सा जो है वनों से घिरा हुआ है। ये एक मैदानी राज्य है, उसके बावजूद यहां का 30.62 एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें अगर, तो 30.62 इतना हिस्सा क्या है यहां पर वनों से घिरा हुआ है। ये वनों से आच्छादित है। क्लियर? अब यहां की थोड़ी सी राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। सन 2018 के पहले यहां एक छत्र कई बार एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहा, जो जिसका नाम है मिस्टर रमन सिंह। लेकिन 2018 के आम चुनाव में भाजपा यहां सत्ता से बाहर हुई और नई पार्टी सत्ता में आई कांग्रेस, और यहां के मुख्यमंत्री बनाए गए, सीएम बनाए गए भूपेश बघेल। क्या नाम है इनका? भूपेश बघेल साहब यहां पर मुख्यमंत्री हैं। और यहां के राज्यपाल की बात करें तो यहां के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। अगर आप गवर्नर की बात करें, गवर्नर, तो अनसुईया उइके इनका नाम है। और यहां की जो विधानसभा है या यहां के विधानमंडल के बारे में बात करें तो यहां का विधानमंडल आपका एक सदनीय है। कैसा है? एक सदन है यहां के विधानमंडल में। और अगर विधानमंडल का एक सदन होता है तो उसका नाम होता है विधानसभा। और विधानसभा यहां की सदस्य संख्या है विधानसभा की 90। ठीक, यहां से लोकसभा और राज्यसभा दोनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है छत्तीसगढ़ से। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा के जो है कुल सदस्य यहां से जो है 11 चुने जाते हैं और राज्यसभा के मात्र 5 सदस्य चुने जाते हैं। तो यहां लोकसभा को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है? लोकसभा के 11 सदस्य और राज्यसभा के
यहाँ से 5 सदस्य जो है भारत की संसद के लिए लिए जाते हैं। क्लियर? तो यह काफ़ी जो है बेहतर राज्य रहा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देता है। यहाँ के सबसे बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर, यहाँ की राजधानी रायपुर है। क्लियर? अब थोड़ा सा इसके जो है इतिहास में चलें तो मैंने अभी भी बताया कि उत्तर प्रदेश सन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना हुआ स्टेट है। ठीक, जो भारत का कौन से क्रम का राज्य रहा है? यह भारत का 25वां राज्य रहा। एक साथ 3 राज्य यहां पर बनाए गए थे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ और 15 नवंबर को झारखंड बना। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था। इसके बाद 27वां और 28वां क्रमशः उत्तराखंड और झारखंड बना। प्राचीन काल में देखें तो प्राचीन काल में यह राज्य किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी मैंने बताया कि क्या थी, राजधानी थी सिरपुर। क्या थी राजधानी? सिरपुर। आज कहां राजधानी है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की सीमाएं मैंने अभी भी बताई कि 7 राज्यों को स्पर्श करती हैं। वो 7 राज्य हैं कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये वो राज्य हैं 7 जो इससे टच करते हैं। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसके किस हिस्से में है? पश्चिम में है। ठीक, महाराष्ट्र भी इसके पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये आपके उत्तर में है, ओडिशा इसके पूरब में है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसके पश्चिमी दक्षिणी हिस्से में है। ये दोनों कहां पर हैं? ये दोनों दक्षिणी हिस्से में हैं। तो दक्षिण में है ये राज्य। क्लियर? इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छत्तीसगढ़ जो है खनिज संसाधनों के मामले में काफी जो है रहा है संपन्न। कृषि की बात कर ले यहां पर तो यहां की प्रमुख फसल धान है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, कारण कि यह जहाँ की जो सबसे प्रमुख फसल है धान है। यहाँ के धान जो है चावल की उत्पादकता काफ़ी बेहतर पाई जाती है और यहाँ उगाई जाने वाली जो अन्य फसलें हैं वो मोटे अनाज हैं लगभग, लेकिन उसके साथ यहाँ मध्य प्रदेश के लगा हुआ क्षेत्र रहा है तो सोयाबीन और मूँगफली का भी अच्छा उत्पादन होता रहा है। तो मक्का, सोयाबीन, मूँगफली, उड़द, अलसी और काबुली चना, चना के मामले में उत्तर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जो है टॉप प्रोडक्शन पे हैं। और अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर जो 2015 यहाँ पर वन वृक्ष मिला करके टोटल 44% पाया जाता है। कितना? वन और वृक्ष दोनों को मिला दें तो 44% हिस्से पर यहाँ पर वन और वृक्ष दोनों मिला करके है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसी में, थोड़े से इसके जो है हम खनिज संसाधन की चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जो उत्तर जो छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर सरगुजा, रायगढ़, कोरिया और बिलासपुर, ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कोयला का विशाल भंडार पाया जाता है और इसके अतिरिक्त यहां कच्चा लोहा, चूना, बॉक्साइट, डोलामाइट, टिन के भंडार पाए जाते हैं। तो कोयला भंडारण की अगर बात करें तो कोयला भंडारण उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो है प्रमुख स्थान रहा है। साथ साथ इसके लोहा और चूना पत्थर बॉक्साइट का भी यहाँ पर अच्छा उत्पादन रहा है और इसी कारण यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया है जो आज छत्तीसगढ़ के अंदर में है। भिलाई इस्पात संयंत्र आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए 3 इस्पात संयंत्रों का एक हिस्सा है, एक अंग है। आज ये भिलाई इस्पात संयंत्र सेल के अंतर्गत काम करता है, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अंग बना हुआ है और भारत में स्टील उत्पादन में काफी आगे है। क्लियर? इसके साथ साथ कच्चे टिन का उत्पादन करने वाला यह देश का एकमात्र राज्य है। कच्चा टिन की बात करें तो भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो है जहां पर कच्चा टिन होता है। कोयले की उत्पादन कर की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान है, जबकि भंडारण की बात करें तो झारखंड और उड़ीसा के बाद तीसरा स्थान है। उत्पादन और भंडारण दोनों दो अलग अलग चीजें होती हैं। उत्पादन का मतलब है माइनिंग करके कोयला यूज जो है बाहर निकालना और भंडारण का मतलब है कि जमीन के अंदर दबा हुआ कोयला। तो यहां पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है
पूरे भारत में, क्लियर। अब यहां पर थोड़ी सी और जो है यहाँ के इंडस्ट्री के विषय में थोड़ी सी बातें जाननी है कि यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और एनटीपीसी जैसे भारत सरकार के उपक्रम, ये टोटल के टोटल जो हैं ये इंडिया गवर्नमेंट के उपक्रम हैं, ये छत्तीसगढ़ सरकार से इनका कोई संबंध नहीं है। तो ये सारे उपक्रम भिलाई इस्पात संयंत्र जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत काम करता है, एनएमडीसी, ठीक, राष्ट्रीय जो है खनिज विकास निगम लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और एनटीपीसी जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये भारत सरकार के संस्थान यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा, हम लोग यहाँ की कुछ जो है पर्यटन स्थलों की बात कर लेते हैं। घूमने के लिए पर्याप्त जगह है यहाँ पर और पर्यटन उद्योग का को विकसित करने की पर्याप्त क्षमता है इस राज्य में। तो इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात, ठीक, कांगेर नदी पर जो है स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात। तो ये जलप्रपात बेसिकली ऊपर से गिरता हुआ जल है जो प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाता है। तो आपका चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, ये इंद्रावती नदी पर है, क्लियर, यह चीज याद रखिएगा। कांगेर नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तीरथगढ़ प्रपात है। साथ साथ केसकल घाटी, कांगेर घाटी, राष्ट्रीय पार्क, ये एक राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पर तीन राष्ट्रीय पार्क है कुल। तो कैलाश की गुफाएं, कुटुमसर गुफाएं, बिलासपुर में रतनपुर का महामाया मंदिर और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र सिरपुर, यहाँ पर सिरपुर मैंने बताया भी कि जो आपके छत्तीसगढ़ की ये मान के चलिए पुरानी राजधानी है, ठीक, तो सिरपुर। और अचानक मार अभ्यास, अचानक मार यहाँ का क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। रायपुर के पास स्थित उदंती अभ्यारण्य, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और जंजगीर का विष्णु मंदिर, कोरबा जिले में केदई जलप्रपात, कोरबा में जलप्रपात है केदई जलप्रपात, और सवरी नारायण का नर नारायण मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। अब यहाँ के कुछ हम लोक नृत्यों की बात करते हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में यहाँ लोक नृत्य वगैरह से सवाल आते हैं। तो यहाँ के लोक नृत्य की अगर बात करें तो यहाँ के लोक नृत्य लगभग सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं कौन कौन, बार बार सवाल आता है। तो लोक नृत्य यहाँ पर बहुत हैं, भोजनी है, ठीक, भोजली, पंडवानी, जस, भरहरी, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनमें डंडा, फाग और पंथी, कौन सा, डंडा, डंडा वही मारने वाला डंडा, फाग और पंथी, ये प्रमुख है। कौन कौन से, फंग जो है, डंडा, फाग और पंथी प्रमुख है। साथ साथ भोजली, पंडवानी भी काफी ज्यादा लोगों के द्वारा है, ये बेसिकली पंडवानी और भोजली, भोजली, ये सारे के सारे लोक नृत्य यहाँ के आदिवासी समुदाय के द्वारा किए जाते हैं, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ के खेलों की। तो यहाँ के खेल भी अपने आप में अनूठे हैं और प्रसिद्ध हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे यहाँ एक खेल खेला जाता है फुगड़ी, कौन सा खेल है, फुगड़ी। तो अगर खेल की बात करें तो खेल यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खेल है फुगड़ी। फुगड़ी बेसिकली, ये फुगड़ी खेल महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, और इसमें कुल 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक, एक पक्ष में वो बैठ करके महिलाएं इस खेल को खेलती हैं। साथ साथ इसका जो है एक और खेल है जिसे कहा जाता है लंगड़ी, दूसरा खेल है लंगड़ी, और लंगड़ी बेसिकली बुद्धि चातुर्य से संबंधित है, किससे, इसमें बुद्धिमत्ता से संबंधित गेम होता है। तो बुद्धिमत्ता या बुद्धि चातुर्य से संबंधित ये गेम है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल खेला जाता है खडुआ, उसका नाम है खडुआ, लेकिन यह खडुआ नहीं है बल्कि यह छत्तीसगढ़ की कबड्डी है। क्या कहते हैं इसे, आप छत्तीसगढ़ में इसे कह सकते हैं कबड्डी, क्या कहेंगे, कबड्डी कहेंगे, बिल्कुल हूबहू उसी संस्करण पे खेला जाता है जैसे ये जो क्रिकेट का पुराना अगर संस्करण भारत में देखें प्राचीन खेलों में तो गिल्ली डंडा है। तो बिल्कुल ये जो है खडुआ जो है ये छत्तीसगढ़ की कबड्डी का जो है बहुत बढ़िया स्वरूप है। एक यहाँ और खेल खेला जाता है वो है उसका नाम है डंडी पोहा, क्या नाम है, डंडी पोहा। तो डंडी पोहा की अगर बात करें तो डंडी पोहा एक ऐसा खेल है जिसमें एक ग्राउंड के चारों तरफ लकड़ी का बाड़ा बनाया जाता है,
और उसके कुछ निर्धारित नियम होते हैं, हर खिलाड़ी को उसी लकड़ी के बाड़े के अंदर ही रह करके खेल खेलना पड़ता है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे यहां की प्रमुख जनजातियों की। तो मध्य प्रदेश जनजातियों का राज्य है। अगर जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब मध्य प्रदेश का टूटकर बना हुआ यह हिस्सा है, तो जब मध्य प्रदेश का जो है हिस्सा है तो यहां भी जनजातियां जो है प्रमुख रूप में पाई जाएंगी। तो यहां पर गोंड, कंवर और जनजातियों की बात करें तो यहां की जनजातियां जो प्रमुख हैं उनमें सबसे प्रमुख है गोंड। कौन सी है? गोंड। ये आपके भारत में लगभग सारे भारत में इसका विस्तार पाया जाता है। गोंड के साथ साथ उराव, बैगा, ठीक, उराव भी यहां पाए जाते हैं। उराव जो जो है मुख्यतः आपके झारखंड में पाए जाएंगे। उराव के साथ साथ यहाँ बैगा, बैगा भी यहाँ की प्रमुख जनजाति है। और बैगा की बात करें तो बिरहोर, बिरहोर भी यहाँ की प्रमुख जनजाति है। ठीक, यहाँ पर बिरहोर भी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ जनसंख्या के दृष्टि से काफ़ी अच्छी संख्या में जनजातियों की संख्या है। लगभग 30% कितनी पाई जाती हैं? 30% यहाँ जनजातियों के, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 30% हिस्सा के लिए जनजातियों का है। ठीक, यहाँ की एक विशेष जनजाति है अघरिया। क्या कहा जाता है? अघरिया। अघरिया यहाँ की प्रमुख जनजाति है। कौन सी प्रमुख जनजाति कौन सी है? अघरिया है। ठीक, अब यहाँ की थोड़ी सी नदियों की बात कर लें तो एक नदी बहती है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है। कभी प्रश्न बन सकता है तो नदियों से अगर सवाल बनता है तो यहां पर कभी कभी सवाल बनेगा कि छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की गंगा क्या है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा है यहाँ की महानदी। कौन सी महानदी? यहाँ पर और भी तमाम प्रमुख नदियाँ हैं, उनमें जो मूल नाम है इंद्रावती, सोन, पैरी और खत्री। ठीक, तो यहाँ की प्रमुख नदियों में इंद्रावती, सोन और पैरी हैं। कौन? सोन और पैरी जो है प्रमुख नदी है यहाँ की। ठीक, ये इंद्रावती और पैरी एक छोटी सी नदी है। यहाँ पर एक जो है प्रसिद्ध और क्या बोलते हैं काफ़ी पवित्र नदी बांधी जाती है जिसका नाम है सबरी। क्या नाम है? सबरी नदी। क्लियर, तो यहाँ की गंगा, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी और छत्तीसगढ़ की पवित्र नदियों में सबरी का भी स्थान आता है। क्लियर, आगे हम इनके राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें और वन्यजीव अभयारण्यों की बात करें तो यहाँ पर अभी 3 राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर अगर राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करें तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर 3, और तीनों कौन कौन से हैं? यहाँ का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती। कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद यहाँ एक और राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? दूसरा है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, घासीदास। और इसका, इस घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का एक नाम और है संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसी को क्या का नाम, एक और नाम दिया गया है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे चाहे गुरु घासीदास कहिए और चाहे संजय राष्ट्रीय उद्यान कहिए। इसके साथ साथ तीसरा यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी। क्या नाम है? कांगेर घाटी। ठीक, सॉरी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पर वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य दोनों को मिला लें तो उनकी संख्या हो जाती है 17। कितनी? 17। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान और प्लस 14 यहाँ पर क्या है? 14 यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है। और इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अचानक मार। इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? अचानक मार जो है, तो आपने देखा भी पढ़ा था अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर, ये एक ऐसा राज्य है जो छोटी छोटी पहाड़ियों से निर्मित है, तो यहाँ कोई बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी यह पहाड़ियों की, छोटी छोटी पहाड़ियों की सुंदरता से पूरी तरह लैस है। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीक में फिर मिलेंगे एक नए स्टेट के साथ। देखते हैं कौन से स्टेट को कवर किया जाता है, तब की तब हम लोग जो है चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।